तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या नोटिस पीरियड सर्व करने से पहले आप जॉब छोड़ सकते हो। सब कुछ आपकी आपने किसी कंपनी में रेजिग्नेशन डाला है और नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहते हो, उस केस में क्या कर सकते हो आप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग हो और कुछ आपका नोटिस पीरियड 60 डेज का है, 90 डेज का, क्योंकि मोस्टली आप कंपनीज क्या कर रही हैं, सब अपना नोटिस पीरियड ना 90 दिनों का कर देती हैं, और जब उन्हें बंदा चाहिए होता है तब कंपनी को बंदा 30 दिन के अंदर चाहिए होता है। ये दो चीज़ें कंपनी में अभी होती जा रही हैं धीरे धीरे। खुद का नोटिस पीरियड 90 दिन का है और बंदा अगर उनको कोई हायर करना है वो 30 दिन के अंदर चाहिए, तो ये सिचुएशन से अभी एम्प्लॉय को थोड़ा डील करना पड़ रहा है। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि जब आपका 90 दिन का नोटिस पीरियड होता है ना, तो उस केस में कंपनी ऑप्शन देती है, तो जिसमें देखो क्या होता है, अगर आप थर्ड पार्टी के एम्प्लॉय हो ना, अगर फिर आपका नोटिस पीरियड 90 दिन का है, तो उस केस में कंपनी जल्दी से एग्री नहीं होती है कि आपका 50 डेज का कर दिया जाएगा, 45 डेज या 60 दिन, तो ऐसा वो कंपनी से एग्री नहीं होती है। हाँ, अगर इन केस आप कंपनी के ऑन रोल पे हो तो फिर आपके चांसेस होते हैं कि उसमें शायद हो सकता है उस कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया हो नोटिस पीरियड बाई करने का। अब बाई क्या है, जैसे आप किसी कंपनी में वर्किंग हो और वहाँ 90 दिन का नोटिस पीरियड है, तो उस 90 दिन में जैसे आप 30 महीने नोटिस पीरियड सर्व कर लोगे, 1 महीने सर्व करोगे, और 60 दिन आप सर्व नहीं करना चाहते हो, 60 दिन के पहले ही आप वहाँ से आप रिलीज होना चाहते हो, तो वो 2 महीने का जो है ना वो आप कंपनी को पैसे देके वो खरीद सकते हो। अब दो तरीके से यहाँ पे नोटिस पीरियड परचेज किए जाते हैं, पहला या तो आप खुद खरीदो उस कंपनी को पैसे देके, दूसरा आप जिस कंपनी में जा रहे हो, जो भी आपकी नेक्स्ट कंपनी है, वो ऑप्शन आप उस कंपनी के पास रख सकते हो कि मेरा 90 दिन का नोटिस पीरियड है और मैं 1 महीने वहाँ सर्व करके 60 दिन पहले आ जाऊँगा, अगर आप मेरा नोटिस पीरियड वहाँ से परचेज करते हो, इतना कॉस्ट है वहाँ पे। अब वो लोग नोटिस पीरियड परचेज करते हैं, अग्रीमेंट पे साइन भी कराते हैं कि आपको 1 साल रुकना होगा, 2 साल रुकना होगा, इससे पहले अगर आपको आप छोड़ के जाते हो तो आपको नोटिस पीरियड का पैसा देना होगा। तो इस बेस पे कंपनी आपका नोटिस पीरियड परचेज कर लेती है या आप भी कर लेते हो। दोस्तों जो दूसरी कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हो और कंपनी उसके पहले छोड़ के जाते हो और कंपनी ने कहीं भी ऐसा टर्म कंडीशन में नहीं लिखा, तो उस केस में कंपनी आपको चाहे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी, आपके एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी चाहे तो आपको नहीं दे सकती। अगर ये डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड ना हो तो आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो। अगर 90 दिन का नोटिस पीरियड है, आप सोचो कि नहीं मैं 25 दिन में ही जाऊँगा, नोटिस पीरियड सर्व नहीं करोगे, तो करंट कंपनी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देती हैं। बाकी कंपनी में भी डिपेंड करता है, कई बार कंपनी सोच जाती हैं, आई थिंक 5 से 10% होंगी जो ये केस करने के बाद भी आपको एक्सपीरियंस लेटर वगैरह दे दें, बट मोस्टली वो देती नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नोटिस पीरियड बाई करने का और लॉन्ग हो तो क्या करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।